प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। उत्तर प्रदेश का मैनपुरी जिले का एक छोटा सा कस्बा करहल जो इस समय सुर्खियों में है। दरअसल अखिलेश यादव ने इस सीट से चुनाव लड़ने का फैसला लिया है और तीसरे चरण के मतदान में वह यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने के बाद से करहल हॉट सीट बन गया है। यादव परिवार से जो है 5 किलोमीटर दूर यह करहल, जो मुलायम सिंह यादव की जो है यहाँ पर पढ़ाई हुई और यहीं पर जो है जैन इंटर कॉलेज से उन्होंने पढ़ाई के बाद यहाँ पर शिक्षक के रूप में जो है वो यहाँ पर उन्होंने काम किया। दरअसल यादव परिवार में मुलायम सिंह यादव का करहल से खास नाता रहा है। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव यहीं के जैन इंटर कॉलेज के छात्र रहे हैं। बाद में मुलायम सिंह ने यहाँ पर शिक्षक के रूप में काम किया। करहल का सियासी मूड जानने के लिए प्रभात खबर की टीम सबसे पहले इसी कॉलेज में पहुंची। ये वही इंटर कॉलेज है जहां पर सैफई गांव के बालक ने यहां से शिक्षा ग्रहण की और उसके बाद यहां पर शिक्षक के रूप में कार्यरत रहे। दरअसल हम बात कर रहे हैं मुलायम सिंह यादव की। मुलायम सिंह यादव ने कक्षा 9 में यहां से इस इंटर कॉलेज से पढ़ाई की और उसके बाद यहां पर जो है शिक्षक के रूप में यहां पर कार्यरत रहे। हमारे साथ में जैन इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य हैं। सर, मुलायम सिंह यादव जी यहां से पढ़ाई करी, उसके बाद यहां पर उन्होंने जो है शिक्षक के रूप में भी रहे, कब से क्या कार्यकाल रहा था और कब तक यहां पर रहे थे? आदरणीय नेताजी, इस विद्यालय में 1955 में कक्षा 9 के विद्यार्थी के रूप में दाखिल हुए थे और 1959 में उनका जो है यहाँ इंटरमीडिएट पास करने के बाद हायर एजुकेशन के लिए शुकाबाद चले गए थे। 1963 में वहाँ से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद यहाँ सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्त हुए। 63 से लेकर के 74 तक वो यहाँ सहायक अध्यापक के रूप में कार्यरत रहे। 74 में राजनीति विज्ञान के वो प्रवक्ता बने, उसके बाद 84 तक वो राजनीति विज्ञान के प्रवक्ता के रूप में कार्यरत रहे। 84 में उस समय राजनीतिक परिदृश्य में जो भी रहा हो उसमें लाभ के 2 पद घोषित किए गए थे, तब उन्होंने इस विद्यालय से त्यागपत्र दिया था। हालांकि विधायक वो 1967 में ही बन गए थे, जनता की सेवा भी करते रहे, सदन में भी रहे, तो छुट्टियों की समस्याएँ रहती थीं, तो उस समय फिर वो जब भी छुट्टी की आवश्यकता होती थी तो लीव विदाउट पे लेकर के जनता की सेवा के लिए क्षेत्र में जाते थे या सदन में अपना काम निपटाया करते थे। विद्यालय में जब वहाँ से फ्री होते तो विद्यालय में आकर के छात्रों के बीच में अध्यापन का कार्य किया करते थे। विद्यालय में उनके का आने का आवागमन का क्या समय रहता था? कभी लेट वगैरह आते थे क्या? नहीं, नेताजी ने वो आदर्श स्थापित किए एक शिक्षक के रूप में, लेट कभी आए नहीं हैं, हमेशा समय से आए हैं और छुट्टी के बाद ही उन्होंने विद्यालय छोड़ा। अगर विद्यालय आए हैं, नहीं आए हैं तो लीव पे रहे हैं, वो लीव विदाउट पे या उनके पास कैजुअल हुआ करती थी, कैजुअल जो 14 होती थी वो ख़त्म होती थी, उसके बाद लीव विदाउट पेपर रहते थे, कभी लेट नहीं आते थे, एक आदर्श शिक्षक हुआ करते थे। प्रभात खबर टीम के हाथ में जो है जैन इंटर कॉलेज में जो प्रधानाचार्य ने जो एक कागजात दिखाए हैं कुछ मुलायम सिंह यादव से जुड़े हुए, आइए हम दिखाते हैं कि जो उनका यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह हुआ था किस तरीके से, कब किस सन में उनका अपॉइंटमेंट लेटर हुआ था और किस समय पर वहाँ पर इन्होंने जो है शिक्षक के लिए मतलब पद के लिए यहाँ पर कार्यरत थे। सर, कब यहाँ पर नेता मुलायम सिंह यादव? 1963 में उनकी नियुक्ति यहाँ सहायक अध्यापक के पद पर हुई थी, तो प्रबंधाधिकरण द्वारा उस समय नियुक्ति की जाती थी। नियुक्ति करने के बाद उसका अनुमोदन जो है वो विभाग से डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर से लिया जाता था, तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर द्वारा दिया गया अनुमोदन पत्र है जिसमें 2 प्रवक्ता उनके साथ नियुक्त हुए थे। सहायक अध्यापक के रूप में मुलायम सिंह जी की नियुक्ति हुई थी। ये नंबर 3 पर मुलायम सिंह जी का नाम है, उनकी योग्यता BA/BT है। असिस्टेंट टीचर के रूप में उनकी नियुक्ति हुई थी। 120 से 300 के वेतनमान में उनकी नियुक्ति की गई थी। तत्कालीन जो जिला विद्यालय निरीक्षक हुआ करते थे उनके ये हस्ताक्षर हैं, उनको ये अनुमोदन पत्र दिया गया। उसके बाद 1974 में जब वो प्रवक्ता बने तो पुनः एक अनुमोदन पत्र उनको दिया गया, वो ये है। उसमें ये 1974 में 9/10/74 को विभाग द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। इसमें श्री मुलायम सिंह जी को 400 से 750 के वेतनमान में प्रवक्ता वेतन क्रम में पदोन्नति दी गई है।
एक वर्ष के परीक्षा काल पर, हमेशा किसी की नियुक्ति या पदोन्नति एक वर्ष के परीक्षा काल पर ही होती है। परीक्षा काल पूर्ण होने के बाद फिर उसको स्थायित्व प्रदान किया जाता है। तो एक वर्ष की परीक्षा काल पर तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक ने अनुमोदन प्रदान किया था, ये उनका अनुमोदन पत्र है दोनों की। बिल्कुल साफ तौर पर यहाँ पर जो यहाँ के प्रधानाचार्य थे उन्होंने मुलायम सिंह यादव से रिलेटेड जो भी उनका अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह जो उनकी नौकरी में कार जो वो कार्यकाल था उससे जो उनका लेटर थे वो साफ तौर पर हमको दिखाया। कौन जीतेगा आपकी बात? खरे से आपकी बात तो करके जीतेंगे 100% जीतेंगे, उन्हें कोई शक नहीं। तो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या फर्क पड़ेगा आपकी बार यहाँ पे? अच्छी दौड़ है फागली की इस टाइम, वैसे हर जगह प्रचार उनका हो रहा है और बात बाकी जो है सरकार तो उनकी बनेगी। अच्छा, साल 2002 को छोड़ दें तो 1989 से अब तक इस सीट पर सपा का कब्जा रहा है। करहल विधानसभा सीट के सामाजिक समीकरण की बात करें तो यहां 3.5 लाख से अधिक मतदाता हैं। अनुमान के मुताबिक इस विधानसभा क्षेत्र में यादव मतदाताओं की बहुलता है। साख, ठाकुर ब्राह्मण, लोधी और एससी मतदाता भी इस सीट का चुनाव परिणाम निर्धारित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। करहल विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम मतदाता भी अच्छे तादाद में है। हम जैन इंटर कॉलेज के बाहर खड़े हैं और यहाँ पर एक दादा हैं जो मुलायम सिंह यादव से उनका जो है खास उनकी मुलाकात है और उनके साथ में काफ़ी उनका उठना बैठना रहा है। आइए हम बात करते हैं, क्या नाम है चाचा? राम जी बताओ यार। मुलायम सिंह यादव के साथ कितनी बार चलना होता है? हैं, मुलायम सिंह के साथ आप चलते बैठते थे, कैसा उनका संबंध, बातचीत होते थे? जो कोई काम होता था बुलवा के जाते थे। अच्छा, तो आपकी बार कैसी टक्कर देखे मिल रही इनसे? अब कहती है मतलब कुल भाई हमें मिले ना, हम मिलते मिले। अच्छा, आत्मा ही निकल उठे। अच्छा, देखिए भाजपा के पास कुछ कम भी तो नहीं है, हमारे लोग हमारे जैसे लोग मतलब फ्री घूम रहे हैं, रोजगार भी नहीं है, काम काफ़ी काम बंद हो गए, रोजगार घूम रहे हैं, काफ़ी प्लांट जो पड़े थे वो आज धूल मिट्टी छा गई रुपये, तो रोजगार जो चल रहा था वो बंद हो गया रोजगार। अब जब हमारे मुख्यमंत्री जी जब होंगे अखिलेश जी फिर रोजगार हम लोगों को मिलेगा। क्षेत्र का मतदाता फिलहाल सियासी मूड भांपने की कोशिश कर रहा है, हालांकि अखिलेश के मैदान में होने से सपा की मजबूती की बात कर रहे हैं। इस वक्त मौजूद हूं मैं करहल विधानसभा सीट पर। दरअसल यहां से अखिलेश यादव 2022 विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं जो चुनाव लड़ रहे हैं तो यहां पर हमारे साथ में कुछ जनता है, उनसे हम बात करेंगे कि इस बार यहां का मूड क्या है और क्या है यहां का सियासी मिजाज। आइए हमारे साथ बात करते हैं, क्या नाम भैया? विजय नाम है, विजय यादव नाम। क्या मूड चल रहा है आपके बारे यहाँ का? यहाँ तो इससे सपा हमेशा से जीतती आई है, इस बार भी जीतेगी, इस बार ज़्यादा मतों से अखिलेश यादव यहाँ से जीत के जाएंगे और जमानत जब्त होगी बीजेपी वालों की। अच्छा, तो कौन आपकी बार टक्कर में यहाँ पर? टक्कर है ही नहीं, यहाँ तो जमानत बचाने का चुनाव हो रहा है। अच्छा, कौन से नंबर पर रहना है ये देखना होगा कि दूसरे नंबर पर रहें या तीसरे नंबर पर रहें। अखिलेश आखिरकार क्यों जीतेंगे? बहुत विकास किया है यहाँ पे, यहाँ की जनता जानती है, यहाँ सड़कें देख लीजिए आप, यहाँ बगल में मेडिकल कॉलेज है सैपई में, वहाँ गरीब जनता के लिए फ्री इलाज होता था, आजकल तो दवाइयाँ भी पूरी नहीं होती हैं उसी अस्पताल के अंदर। अब इस सरकार में उस अस्पताल की इतनी बुरी स्थिति हो गई है। अखिलेश यादव जी जीतेंगे। अच्छा, काहे जीतेंगे? क्यों, उनका गढ़ है यहाँ पर। अच्छा, हाँ, उन्होंने विकास किया है यहाँ, देखिए हाईवे देखिए ये कितना गजब। तो क्या लग रहा है कि सेफ सीट है इसलिए जीत पाएंगे कि या उनका घर है इसलिए जीतेंगे? सेफ सीट क्यों, सेफ सीट भी है, उनका घर गढ़ भी है, घर भी है, सब है यहाँ पे उनका, वो जीतेगा, उन्होंने यहाँ कार्य किया, पास में सेफ ही देख रही है करहल। करहल, क्या नाम है चाचा? लाल सिंह। अब यार कैसी टक्कर है इन पर चुनाव में? कोई टक्कर नहीं है अखिलेश के सामने। अच्छा, कोई टक्कर पक्कर नहीं। तो कैसे जीती है, मतलब कि पक्का जीत पाई है कि सेफ सिटी सीट सीट है एक हमारे सीट जीत पाएंगे? सीट नहीं, सभी सीट जीतेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, कोई रोकने वाला नहीं है। यूपी में सत्ता की लड़ाई में सबसे आगे चल रहे योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव ने सेफ सीट चुनी है, साफ है कि दोनों ने अपने मजबूत गढ़ से दावेदारी की है। दरअसल क्षेत्र में फंसने की वजह पूरे प्रदेश में ध्यान दिया जाए ये दोनों लोगों ने फैसला लिया है। वैसे तो आमतौर पर बड़े नेता उन्हीं सीट से चुनाव लड़ते हैं जिस सीट से उनकी जीत तय हो, वहीं यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ ने अपने गढ़ गोरखपुर से चुनाव लड़ने का फैसला लिया तो अखिलेश यादव ने करहल विधानसभा सीट से। 20 फरवरी को तीसरे चरण में जो है करहल विधानसभा सीट पर जो है मतदान है और 10 मार्च को यहाँ पर नतीजे निकलेंगे, उससे तय होगा कि करहल विधानसभा सीट का सरताज किसके सर पर सजेगा। करहल से आयुष तिवारी, प्रभात खबर। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।